हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा एक बार फिर थोड़ा सारियां दा स्वागत करना है जानकारी हित चैनल ते। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वोकेशनल या कॉमर्स के स्टूडेंट्स लिए, दैट इज MOP मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। और एक वीडियो इस तो पहला वाली जिस दे विच ऑफिस दी जो मॉडर्न ऑफिस है उसका इंट्रोडक्टरी आस्पेक्ट असी डिटेल दे विच कीता, उसका लिंक मैं नीचे दे रहे हैं, तुसी उन्हें देख सकते हो। और सेकंड जड़ा कंटेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ MOP, दैट इज द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस। एक दफ्तर के काम की होंगे ने अपना ये बारे डिटेल गल करांगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू। लेट्स मूव हैड विद मी टू डिस्कस टूडेज कॉन्सेप्ट। यस स्टूडेंट्स, गल करते हैं अपना फंक्शंस ऑफ ऑफिस। इस तो पहला कि असी फंक्शंस दे बारे डिटेल च गल करिए, सानू सारयां नू पता है कि अज दे समय दे विच ऑफिस बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दा, किसी भी बिजनेस हाउस दे लई। अपने बिजनेस नू चलाना इंपॉसिबल है विदाउट ऑफिस। जे तक ऑफिस दे कम्मां दी गल करदे आ, ऑफिस वर्क इज मेनली कंसर्नड विद द रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंप्यूटिंग। किस चीज़ नू कंप्यूट करना है, किस चीज़ की प्लैनिंग करनी है, बिजनेस दे बारे, किसी ऑर्गेनाइजेशन दे बारे इंफॉर्मेशन नू कलैक्ट करना है, उसकी प्लैनिंग तैयार करनी है, हाउ टू रन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन वेरी स्मूथली। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स नू पूरा करने के लिए दफ्तर दे विच डिफरेंट टाइप के काम किए जाते हैं। सो ऑफिस हैज़ बिकम वेरी इनएविटेबल फॉर एनी बिजनेस हाउसिज और एनी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। दफ्तर जितने कामों की गल करते हैं, उन्होंने दसन तो पहला एक छोटा टॉपिक आता है, नेचर ऑफ ऑफिस फंक्शंस। दफ्तर के कामों की नेचर किहो जी है, किस्म किहो जी है, किसी व्यक्ति की जिमें असी नेचर का अंदाजा कितों लगाने, उस दे विच छुपे हुए गुणा तो, उदे विच कड़े कड़े गुण छुपे हुए ने, जो गुण छुपे हुए हैं। सिमिलरली आओ गल करते हैं नेचर ऑफ ऑफिस फंक्शंस। जिहड़े दफ्तर दे विच किए जाने वाले काम ने, आम तौर पर उन्होंने नेचर दे विच ये सारे कॉन्सैप्ट तुहानू देखण नू मिलणगे। सब तो पहला है ऑफिस वर्क और जॉब इज़ अ आर्ट। ऑफिस वर्क और जॉब एक आर्ट है, एक स्किल है, यह कोई सिर्फ साइंटिफिक प्रिंसीपल्स नहीं है, इट इज़ एन आर्ट। अपने काम दे विच जिन्ना उथे काम करने वाला स्टाफ स्किलफुल होएगा, ऑफिस उन्ना स्मूथली रन करता है। सो वी कैन क्लीयरली सेज दैट अबाउट द नेचर ऑफ ऑफिस फंक्शंस, ऑफिस वर्क इज़ एन आर्ट। नेक्स्ट वन इज़ ऑफिस मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन। जो दफ्तर दे विच जो प्रबंधन है ताकि दफ्तर स्मूथली काम कर सके, वो एक अनुशासन के रूप के सिस्टमैटिक फॉर्म के काम करता है, दैट इज़ आलसो द पार्ट ऑफ नेचर ऑफ ऑफिस फंक्शन। नैक्सट वन इज़ द ऑफिस हैज़ अ प्राइमरी पोजिशन इन अ बिजनेस। किसी भी दफ्तर की जो भूमिका है अज बिजनेस के ऑर्गनाइजेशन के मुढ़ली भूमिका बन चुकी है, वो कोई सेकेंडरी पोजिशन नहीं हैगी, मेन पोजिशन है अज। दैट इज़ आलसो द वी कैन से द फीचर्स अबाउट द नेचर ऑफ ऑफिस फंक्शन। नैक्सट है ऑफिस फंक्शन आर इनएविटेबल और वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। दफ्तर के काम अज बड़े महत्वपूर्ण हो चुके हैं, कोई भी इसनों नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि दफ्तर की कोई भूमिका नहीं है। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस। एक दफ्तर के काम की ने, दफ्तर के कामों की गल कर रहे हैं, तो तीन आधार पर असं वंड के देखेंगे। सब तो पहला जो फंक्शन ऑफिस की गल करते हैं, बेसिक फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन जोड़े मुख्य काम ने। उस तो इलावा दूसरा है साढ़े को सेकेंडरी फंक्शन, गौण काम। इस तो इलावा सबसिडरी फंक्शन, सहायक काम। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड सबसिडरी फंक्शन, ये तीन टाइप के काम ने जोड़े दफ्तर द्वारा किए जाते हैं, भाव दफ्तर के किए जाने वाले कामों को असं तीन हिस्सों वंड के अज चर्चा करा। सब तो पहला है प्राइमरी फंक्शन और बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑफिस। एक दफ्तर के जो प्राइमरी या बेसिक फंक्शन ने, वो इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग होंगे ने, सूचना के रिगार्डिंग, कोई भी डाटा के रिगार्डिंग। सब तो पहला जिहड़ा फंक्शन है दफ्तर का, बेसिक फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन है रिसीविंग एंड कलैक्टिंग इनफॉर्मेशन। दफ्तर नाल रिलेटेड जिन्हें भी पार्टीज ने, जिन्हें भी डिपार्टमेंट ने, जिन्हों का किसी टाइप का भी लेना देना उस बिजनेस के नाल हुंदा है, उस ऑर्गनाइजेशन के नाल हुंदा है, उन्हां तों टाइम टू टाइम इनफॉर्मेशन नूं रिसीव करना, कलैक्ट करना उन्हां तों, ताकि आने वाले समय च उहदे ते प्रोसैसिंग करके उस इंफॉर्मेशन नूं वरत्या जा सके। सो फस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ एनी ऑफिस इज़ द रिसीविंग एंड कलैक्टिंग इंफॉर्मेशन।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਆਈਦਰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਰਨਲ, ਲੈਜ਼ਰਸ, ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਪਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਰ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਆਫਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਲਾਈਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਆਫਿਸ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਉਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਐਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਵਿਦਡਰਾਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ। ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਗੌਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਗੌਣ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਸਟਾਫਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੱਲਦਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ। ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਬਸਿਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਫਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਟਾਫਿੰਗ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ, ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ GPF ਫੰਡ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੂ ਗਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ।
जिन्हें भी उच्च अधिकारी ने अब तो जड़े अपने तो जड़े नीचे सबॉर्डिनेट्स ने सहायक काम करने वाले ने उन्होंने सही डायरेक्शन देना भी दफ्तर के कामों का एक मेजर पार्ट बन जाता है अंडर सबसिडरी फंक्शन। इस तो इलावा नैक्सट फंक्शन है सबसिडरी फंक्शन के कोआर्डीनेशन। कोआर्डीनेशन होता है तालमेल करना, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट ने, एक प्लैनिंग डिपार्टमेंट है, एक मान लो फाइनैशियल डिपार्टमेंट है, इस तो इलावा एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट मिलजुल के काम करन, सारी डिपार्टमेंटा दे विच आपसी किते इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन का गैप ना होवे, डिसीजन मेकिंग दे विच कोई प्रॉब्लम ना आवे, उन्हां सारे डिपार्टमेंट सारे ग्रुप्स दे विच कोआर्डीनेशन करना, तालमेल एस्टैबलिश करवा के रखना, यह भी दफ्तर का एक इंपॉर्टेंट सबसिडरी फंक्शन है। नैक्सट वन इज अ कंट्रोलिंग। कोआर्डीनेशन करते करते सारे जिहड़े प्रोजेक्ट्स उत्थे चल रहे ने, तरह तरह के जिहड़े प्रोसैसिज चल रहे ने बिजनेस हाउस के अंडर या दफ्तर के विच, उन्हां सारे ते कंट्रोल रखना भी ऑफिस दे सबसिडरी फंक्शन का मेजर पार्ट है। क्योंकि मान लो असी कोआर्डीनेशन करता, उस तो बाद जेकर असी उदा बैकअप नहीं लिता ते सारे काम प्रॉपर ना चले तो बिजनेस कदे भी अपने एम्स नूं प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो उन्होंने कंट्रोल करके रखना भी सबसिडरी फंक्शन का एक पार्ट है। इस तो इलावा होर फंक्शन की जो गल करते हैं असं जो सबसिडरी फंक्शन के आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग, इस तो इलावा ए मोटिवेशन या इनहानसिंग कोऑपरेशन, लोग उत्थे काम करने वाले इंप्लाइज नूं मोटिवेट करते रहना, इस तो इलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसैस के इंपोर्टेंट भूमिका निभाना, जिथे कितने लैपसिज आ रहे हैं कमी आ रही ने उन्होंने कमिया दूर करवाना, ये भी बिजनेस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ने उदा पार्ट ने। आओ गल करते हैं स्टूडेंट लास्ट के असं वादे हुए तीसरा आसपैक्ट है अदर फंक्शंस और सबसिडरी फंक्शन सहायक काम, जिन्हों के बारे सोचा नहीं सी कि इसलिए दफ्तर बनाया गया, पर वो काम भी दफ्तर के द्वारा किए जाते हैं जिन्होंने असी सबसिडरी फंक्शन या सहायक कामों के शामिल करते हैं। आओ गल करते हैं सब तो पहला सबसिडरी फंक्शन के साडे कोल सबसिडरी फंक्शन है। सब तो पहला रिडक्शन इन कोस्ट। बिजनेस के डिफरेंट टाइप के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्होंने जो वर्किंग कोस्ट है वो ज़्यादा ना हो जाए, उन्होंने प्रोडक्शन कोस्ट ज़्यादा ना हो, जेकर गुड्स प्रोड्यूस की जा रही ने, ये कोस्ट कट करना, लागतों घटाना बड़ा जरूरी है। जेकर इररेलीवेंट खर्चे हो रहे हैं उन्होंने कटवाना दफ्तर की मेजर भूमिका होंगी है, ताकि अज कंपीटिशन के जमाने के साड़ी कोस्ट इन्नी ना वजे वस्तुओं की कि असी मुकाबला ही ना कर सकी मार्केट के महंगिया वस्तुओं कोई खरीदे ना, इस करके रिडक्शन इन कोस्ट करवाना भी दफ्तर का एक इंपोर्टेंट सबसिडरी फंक्शन है। इस तो इलावा सेफगार्डिंग एसेट्स, बिजनेस के तरह तरह दी एसेट्स ने, संपत्तियां ने, उत्थे तरह तरह की प्रॉपर्टी है, मशीन ने, ट्रक ने, कारा ने, एसी है, इस तो इलावा डिफरेंट फर्नीचर है, बड़े महंगे महंगे उत्थे डिवाइसिज ने, उन्हां सारी संपत्तियां दी देखभाल करना, उन्हें सेफ करके रखना, उदे लई उचित रूप से जे इंश्योरेंस करवाने की जरूरत है तो बीमा करवाना, ये सारे के सारे साडे सबसिडरी फंक्शन का एक हिस्सा ने। इस तो इलावा है परसोनल फंक्शन। परसोनल दे विच कर्मचारियों के प्रबंध के फंक्शन आ जाते हैं, परसन तो बने परसोनल फंक्शन। दफ्तर के इंप्लाइज दे विच बैटर कोआर्डीनेशन, उन्हां दी सही सिलेक्शन होना, ये भी दफ्तर के परसोनल फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हिस्सा निभाते हैं दफ्तर नूं या किसी ऑर्गनाइजेशन नूं समूथ रूप से चलाने के लिए। उत्थे स्ट्राइक्स तो नहीं हो रही, जेकर किसी इंप्लाइज के कोई कंसर्न ने उन्होंने सोर्ट आउट करना, स्ट्राइक्स नूं दूर करना, इंप्लाइज की जेकर कोई कंप्लेंट्स ने उन्होंने दूर करना, यह काम भी दफ्तर के द्वारा किए जाते हैं। इस तो इलावा नैक्सट फंक्शन है पब्लिक रिलेशन फंक्शन, क्योंकि कोई भी ऑर्गनाइजेशन अपने आप कुछ नहीं होंगी, वो बाहरली पार्टीज, बाहरले लोग, बाहरले गाहक, डिफरेंट जोड़े दफ्तर ने वो जुड़े हुए होंगे ने, उन्होंने एक पब्लिक रिलेशन डिवेलप करना भी दफ्तर के कामों का इंपोर्टेंट हिस्सा होंगे। अज के टाइम के जी HRD है बड़ा इंपोर्टेंट हिस्सा होंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट, ताकि लोगों के नाल तालमेल एस्टैबलिश किया जा सके, ये जो HRD डिपार्टमेंट होंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी दफ्तर के। इस तो इलावा स्टेशनरी एंड सप्लाइज, दफ्तर में समय समय से तरह तरह की स्टेशनरी की जरूरत है, तरह तरह के मटीरियल की जरूरत है, जिसकी सप्लाई को मैनेज करके रखना, सही टाइम से वो चीज़ें प्राप्त हो सकन, ये काम करने भी दफ्तर का ही हिस्सा ने। इस तो इलावा ऑफिस अपलायंसिज, दफ्तर के डिफरेंट टाइप के जो अपलायंसिज यूज होंगे ने, यंत्र यूज होंगे ने, एक कंप्यूटर हो सकते हैं, कैलकुलेटर हो सकते हैं, टाइपराइटर हो सकते हैं, AC हो सकता है, फैन हो सकते हैं, जिदे नाल दफ्तर स्मूथली काम कर सकता है, बहुत सारे अपलायंसिज, उन्हों का प्रबंधन करना, सही टाइम से उन्होंने रिपेयर करवानी, उन्होंने इंस्टॉल करवाना, यह भी दफ्तर के जोड़े सबसिडरी काम ने उन्हों का हिस्सा होंगे। इस तो अलावा सिस्टम इंप्रूवमेंट, जे सारे सिस्टम के दफ्तर चलते हुए कोई प्रॉब्लम आती है,
असी एक प्लान कर लिया कि इस सिस्टम दे नाल ऑफिस ने काम करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही चल सके और बिजनेस सही चल सके। आने वाले समय में पता लगे कि सिस्टम का बहुत कमियां ने तो दफ्तर की जिम्मेवारी बनती है कि मैनेजमेंट नाल तालमेल करके उस सिस्टम नू इंप्रूव करे ताकि बिजनेस अपने टारगेट्स नू पूरा कर सके, दफ्तर स्मूथली चल सके। ये सारे दे सारे मेन सबसिडरी फंक्शंस ने किसी भी दफ्तर दे। सो स्टूडेंट्स, अज असी दफ्तर दे फंक्शन नू तीन हिस्सों च वंड के देखिया, प्राइमरी और बेसिक फंक्शन, इस तों इलावा सेकेंडरी फंक्शन, गौन कम, कम या कार्ज इक ही गल है, थर्ड वन इज द सबसिडरी फंक्शन। इन्हां दे बारे मेरे ख्याल से तुहानू सारा कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। जेकर किसी स्टूडेंट नू इन्हां दे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कंसर्न है, नीचे कमेंट बॉक्स जाके अपना कमेंट दो, आई विल ट्राई टू आंसर यू देयर। बड़ा सिंपल जिहा कॉन्सैप्ट है, इस तों ये सारे कॉन्सैप्ट नू ध्यान नाल समझण तों बाद असीं किसी भी टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पावांगे। ये कॉन्सैप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, एट द एंड मैं एक गल होर दसना चाहना कि इस चैनल के उत्ते कॉमर्स नाल रिलेटेड बहुत सारे जिहड़े सबजैक्ट्स ने उन्हां दीआं वीडियोज़ ऑलरेडी ने, इकनोमिक्स दीआं वीडियोज़ ने, सोशल कॉन्सैप्ट नाल रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल के उत्ते एग्जिस्ट कर रही हैं, आने वाले समय से भी आदि रहनगियां। So, thank you very much.